मिस ईरा देखिए आप मिस ईरा जी वकील साहब कितनी देर लगा दी आने में क्या करूं वकील साहब मैं जल्दी आना चाहती थी लेकिन यहाँ पर किसी का हार्ट फेल हो जाता सारे डॉक्यूमेंट्स लाई है ना देख लीजिए एक बार तो फिर आप क्या करेंगे आप चेक कीजिए दो पेपर मिसिंग है मैंने पहले ही कहा था कि अगर सारे पेपर्स नहीं होंगे तो काम बीच में अटक जाएगा चिल वकील जी मैंने सुना है यहाँ पेपर से ज्यादा पैसे बोलते एक काम कीजिए आप सबके सामने ये रख लीजिए जब ये बोलेंगे तो सब काम हो जाएगा ठीक है चलो एक मिनट अब एक प्रॉब्लम है क्या वो क्या है कि मुझे ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं है ठीक है चलिए ए किधर जा रहा है तुम कहाँ घुसता है कहाँ जा रहा है रिश्वत देता है चलो चल आ जाओ एक एक करके आ जाओ चलो मैडम चलो आराम से आंटी है वहां पे अरे तेरे दो आप बच रहे हैं क्या कब से राह देख रही हूँ अब तक अपना नंबर आ चुका होता सॉरी आंटी एक गाड़ी मुझ पे कीचड़ उछाल के चली गई तो अरे भाई ये मुंबई है ऐसा तो रोज होता रहेगा इसमें उलझी रहेगी ना तो तेरा कोई काम नहीं होगा सो सॉरी आंटी अब आप एक काम कीजिए ना आप वहां जाके बैठ जाइए मैं लाइन में खड़ी रहती हूँ अरे वो तो तुझे ही खड़ा रहना पड़ेगा ना जी एक मिनट अभी ऐसे खड़ी रहेगी क्या जा जाके साफ कर क्या आप जल्दी आना सब मुझे ही मिलते व्हाट और 2 से 2.5 घंटे लगेंगे मैंने आपको नंबर लगाने के लिए बोला था ना और आप सिर्फ पूछ के चले कि नंबर कब आएगा एक मिनट मैंने आपको एक बोलने वाली चीज दी थी ना उसका क्या हुआ हाँ लेकिन ये एंटी करप्शन मंथ चल रहा है तो सब लोग पैसों की आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं तो अब आप कुछ नहीं अब आपको भी लाइन में लगना होगा व्हाट ईरा लाइन देखिए क्या कितनी लंबी है
अंदर भी बहुत लंबी है। ए, आराम से एक एक करके आओ, एक एक करके सब आओ। चल, तूने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, जहाँ हम खड़े होते वहीं से लाइन शुरू होती है। तो क्या मारा मारी करेगी तू? नहीं बाबा, वही अपना पुराना फंडा जो हम लोग कॉलेज में इस्तेमाल करते थे। चल। अरे जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। मम्मी, खड़ी सही गई, अब तू खड़ी रहे और नंबर आएगा ना तो मुझे बुला लेना। हाँ, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ इसको? क्या हो गया? क्या हुआ इसको? अरे क्या हुआ? अटैक, अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, अस्थमा अटैक, अस्थमा। अरे अरे अरे, रुक रुक, मैं तुझे तेरा पंप देती हूँ। हे भगवान, तू अपना पंप भी नहीं लेकर आई। कितनी बार तुझे बोला है कि अपना पंप अपने साथ रखा कर। ऊपर बैठाओ। हाँ तो बैठ यहाँ। बैठा बैठा। अरे इतनी सी उम्र में अस्थमा की बीमारी है बेचारी को। अरे भाई इसे घर लेकर जाओ। जाओ बेटा जाओ। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती। आज मैं अपने कोर्ट का काम पूरा ही करके जाऊंगी। अरे पागल, तेरी सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या काम? काम? मेरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं 2 महीने से कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, पर हमेशा कोर्ट बंद हो जाता है। पर आज मैं अपने कोर्ट का काम पूरा करके जाऊंगी, चाहे उसके बाद मुझे हॉस्पिटल क्यों ना जाना पड़े। हॉस्पिटल? सुनो, मेरा नंबर थोड़ा आगे है, अगर तुम मेरी जगह जाना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। आप कब से लाइन में खड़ी हैं? आप तकलीफ मत कीजिए। इट्स ओके, तुम्हारी तबीयत खराब है तो प्लीज मेरी जगह पे चली जाओ। थैंक यू। माय प्लेजर। चलिए वकील साहब, प्लीज। ओ हेलो मैडम, आपने अपना नंबर इनको दे दिया, वो तो ठीक है, अब लाइन में बिल्कुल पीछे लग जाइए। आप लाइन में आगे खड़ी थी ना? जी। कमाल करती हैं आप, इतनी देर से आप आगे खड़ी थी और अब अपनी जगह किसी और को खड़ा कर दिया। कहते हैं कि यहाँ का किया यहीं मिल जाता है। आज मैंने किसी को जगा दी है, कल कोई मुझे जगा देगा। लेकिन सबकी सोच आप जैसी नहीं होती। सबकी ना सही, लेकिन एक जान है जिसकी सोच बिल्कुल मेरे जैसी होगी, मेरी इरा की। सबकी मदद करने वाली, हर संस्कार हर शिक्षा याद होगी उसे जो मैंने उसे बचपन में दी थी।
बचपन से जुड़ी किसी भी चीज की याद नहीं रखना चाहती हूं मैं सर। यहां तक कि अपना नाम ईरा भी नहीं, और इसलिए मैं अपना नाम चेंज करना चाहती हूं। मिस ईरा कौशल, आमतौर पे लोग कानूनी कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए अपना नाम चेंज करते हैं, लेकिन आप जो वजह बता रही है थोड़ी अजीब है। क्योंकि क्या मेरी ईशा को बाबा नहीं मिले? नहीं ना, ईशा को बाबा मिले ना, पर वो उन्हें बहुत सारा काम था, अपना काम छोड़कर वो कैसे आ सकते थे? तो झूठ बोल रही है ना, झूठ बोल रही है ना तू, मेरी ईशा को बाबा नहीं मिले। देखो को, तुझसे तो 100 गुना ज्यादा अच्छी है वो। थक गई हूँ मैं तुझे संभाल कर, तुझे पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गई हूँ मैं तुझसे। लोग अपने बचपन को याद करके खुश होते हैं, और मैं अपने बचपन को याद करके तकलीफ में आ जाती हूँ। पर अब नहीं, अब इन तकलीफों से बाहर आना चाहती हूँ मैं, हमेशा के लिए मैं ईरा नाम के साथ सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, सब कुछ। मैं नहीं चाहती कि उनके दिए हुए नाम से लोग मुझे पहचाने, नहीं चाहती मैं अपनी जिंदगी से ईरा नाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहती, हमेशा के लिए। ठीक है, तो फिर आपका नया नाम क्या होगा? काजल, काजल कौशल। क्या कर रही है? बस 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 बस, ठीक है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पुराना नाम ऐसे ही मिट गया है कि कोई नहीं बता सकता आप कौन थे। पुराना सब कुछ मिट जाना चाहिए, सब कुछ, सब कुछ। पुराना सब कुछ मिट जाना चाहिए, पुराने लोग, पुराने नाम, पुरानी यादें, सब कुछ, है ना? पर आज तू जिस तरह से गाड़ी चला रही थी, मुझे तो लगा आज मैं भी मिटने वाली हूं। पागल, चल हमारा काम तो हो गया, मैंने कहा था ना 1 घंटे में हो जाएगा, चल। थैंक यू। इट्स ओके। चल। 2 घंटे और लगेंगे, 2 घंटे, और वहां प्रवीण भाई दुकान से घर पर आकर बैठे होंगे, अब उनको थेपला कौन बना कर देगा? आंटी। अरे कोई आंटी वंटी नहीं, एक तो पहले ले तैयार, जो नंबर मैंने लगाया था वो किसी और को दे दिया,
पता ही नहीं हम लोग इधर एग्रीमेंट बनाने को आए हैं कि खैरात बांटने के लिए। बोल आंटी, वो लड़की सांस नहीं ले पा रही थी, अस्थमा की मरीज थी। मैंने सोचा कि अगर उसका काम जल्दी हो गया तो। देखा आंटी, अभी भी खांस रही है बेचारी, अगर इसकी तबीयत और खराब हो जाती तो। इसे अस्थमा की बीमारी है, इसे तो मैं झांसी की रानी हूँ, मुझे अस्थमा है, मुझे हाँ, वो भी 20 साल से। अगर बोरीवली में मरीज हो ना अस्थमा का, तो मैं यहाँ चर्च गेट से पहचान लेती हूँ। अगर उसे अस्थमा होता ना तो वो पंप लेकर घूमती, ये देखो दो दो पंप लेकर घूमती हूँ। हाँ आपके पास दो पंप है, तो एक पंप आप उसे देते हैं ना? अगर रास्ते में उसे फिर से अटैक आ गया तो मैं एक पंप उसे दे दूं? अरे मुझे नहीं देना। अरे रुक वांदरी, ये लेडी करण पैदा हो गई। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो नौटंकी, क्या नाटक किया है तूने यार अस्थमा का? नहीं यार, मैं अपना काम किए हुए घर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। बेचारी बीमार, कहाँ जाना है आपको, हॉस्पिटल या पार्टी? ऑफ कोर्स पार्टी, उस बेचारी का नाम सेलिब्रेट करते हैं जिसने मुझे अपनी जगह दी। सो मीन यार। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बहुत बुरा लगा। पता नहीं बेचारी को कब तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन मैं खड़ी रहूं उससे तो अच्छा ही है ना। आई एम सॉरी लड़की, मुझे माफ कर दो, पर मुझे ये करना पड़ा। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। चल चलते हैं। मदर टेरेसा, पता चला ना वो तुमको चूना लगा गई। आंटी आप जाके बैठ जाओ। अरे वो तो मैं बैठूंगी, तुझे पूछकर थोड़ी बैठूंगी, लेकिन एक बात तू अपने दिमाग में बिठा ले, ये मुंबई है मुंबई, मायावी नगरी, यहाँ मदद मांगने वाला मदद करने वाले से ज्यादा शाना होता है, समझी? लेकिन कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है? घर वालों ने तो अच्छा ही सिखाया होगा, फिर कोई ऐसे किसी को बेवकूफ कैसे बना सकता है? ओह माय गॉड, इसे बेवकूफ बनाना नहीं कहते, इसे कहते हैं एक हाथ ले और एक हाथ दे। अब उस बेचारे को कितना अच्छा लग रहा होगा एक मजबूर लड़की की मदद करके। सोच रही होगी कितना अच्छा काम किया, वो भी खुश और मैं भी खुश। अब पूरा 24 घंटे हो गए, अभी तक तूने भाड़ा नहीं दिया। आंटी पैसे है ना मेरे पास,
चाहिए तो अभी ले लीजिए। हाँ तो फिर देना, उसके लिए क्या मुहूर्त निकालेगी?